हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। मेरे प्रियजनों, आज हम फिर से एक रात की प्रार्थना के साथ हाजिर हुए हैं। इस प्रार्थना को शुरू से लास्ट तक पूरा सुन लेना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है नहेमिया 2:20 में, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। जो आपका काम बंद पड़ा है, जो दुकान बंद पड़ी है, जो नौकरी बंद पड़ी है, वो हमारा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर उन कामों को सफल करेगा। वो सफल करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का वचन कहता है यशायाह 43 देखे 2 में, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। मेरे प्रियजनों, ऐसा कोई आंधी या तूफान परमेश्वर ने कहा कोई डुबा नहीं सकता है। यदि तूफान में से, जल में से, आग में से होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ साथ, तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कोई आग तुझे झुलसा न सकेगी, कोई आंधी, कोई तूफान तुझे उड़ा न सकेगा, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग चलने वाला राजाओं का राजा परमेश्वर है। आप क्यों चिंता करते हो, क्यों उदास हो, क्यों बेचैन हो, क्यों परेशान हो? आपको प्रभु से बोलना है, मेरा परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। हमारा स्वर्ग का परमेश्वर उन कामों को सफल कर देगा। वो सफल करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ बोलोगे हमारा परमेश्वर करेगा। मेरे प्रियजनों, अगर दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, गरीबी में हो, बीमारी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो आज आपको किसी इंसान से, किसी मनुष्य का आपको सहारा नहीं लेना है, उस परमेश्वर से बताना है। यदि आप उस जीवते परमेश्वर के पास आए हो तो मेरा परमेश्वर आपको आजादी देगा। मेरा परमेश्वर आपको रिहाई देगा। आप हील हो जाओगे, आप ब्लेस हो जाओगे, आप ब्लेस हो जाओगे, ब्लेस करेगा मेरा परमेश्वर। आपके विश्वास को देखता है मेरा परमेश्वर, आपके जीवन को देखता है, आपके करेक्टर को देखता है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका जीवन कैसा है। यदि आप वचन के अनुसार चलते हो तो मैं बोल रहा हूँ, जैसा आप मुंह से निकालोगे मेरा प्रभु वैसा करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु आपके जीवन को देखता है, आपके चाल चलन को देखता है, आपकी खराई को, आपकी पवित्रता को मेरा परमेश्वर आपको देखना चाहता है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? यीशु ने कहा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है। अगर आप प्रभु के बताए रास्ते पे, मार्गों पे चलते हो तो मैं आपसे बता रहा हूँ, टेढ़े मार्ग मेरा परमेश्वर सीधा कर देगा। अगर आप बिगड़ चुके हो, टूट चुके हो, उदास हो चुके हो, कैंसर, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ, या आपको यीशु मसीह से बोलना है, प्रार्थना को सुन लेना है, मेरा परमेश्वर आपको आजादी देगा। बीमारियां जाएंगी, गिल्टियां जाएंगी, रसोलियां जाएंगी, पथरियां जाएंगी, टाइफाइड जाएगा यीशु मसीह के नाम में, मेरे परमेश्वर आजाद करेगा। मेरे प्रियजनों, आज आपको घुटने टेक के बैठना है, वो समय है, वो टाइम है। बोल दो परमेश्वर को, इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुनना है और परमेश्वर आपके बंद कामों को खोलेगा। जो काम नहीं चल रहा है, यदि आप बिजनेस की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जिन कामों में सफलता नहीं मिल रही है, जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, खेती बाड़ी में सफलता नहीं मिल रही है, इस प्रार्थना को पूरा सुन लेना, हमारा परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। मेरा स्वर्गीय परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। आपको विश्वास के साथ बोलना है, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है, आमीन बोल के रिसीव करना है, हालेलुया बोलना है, आमीन बोलना है। देखना मेरा परमेश्वर आज की रात आपके बंधनों को खोलेगा और बंद मार्ग खोलेंगे और स्वर्ग से आशीष आपके जीवन में रिलीज करेगा। मेरा परमेश्वर ट्रांसफर करेगा। मेरे प्रियजन, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है और आमीन बोल के रिसीव करना है। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुँच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ करते, महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर,
जो आपने मेरे पिता हम सभी को मेरे प्रभु जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे परमेश्वर, मैं इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे परमेश्वर जो आपको नहीं जानते होंगे, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार से, गाँव तो टोलों से वे पिछड़ गए होंगे, वे बहुत दूर अंधकार में चले गए होंगे, उस गड्ढे में चले गए होंगे जो बिना वचन के ही मर गए होंगे। मेरे पिता, जो आपने हमें एक नया जीवन दिया, श्वास दिया, प्राण दिया, मेरे पिता इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता। पिता आपने कहा है, मैंने तुझे माता की गर्भ से ही चुना है, तू मेरा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, मैं तेरे लिए लहू पाया, तेरे लिए कोड़े खाए, तेरे लिए मार खाई, तो आप क्यों चिंता करते हो, मेरा परमेश्वर कहता है। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भवन अपने मोबाइल पे, अपने फोन पे पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव कर रहे हैं, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हे राजाओं के राजा, हे दाऊद के संतान, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, किसी को कोई आस की तारा नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा है, कोई किरण नजर नहीं आ रही, यीशु के नाम में ये आजाद हो जाए। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, गिल्टिया रसोलिया बाहर, गिल्टिया बाहर, पथरिया बाहर, ट्यूमर बाहर, यीशु के नाम में कैंसर भस्म हो जाए, जलकर पथरिया भस्म हो जाए, ट्यूमर भस्म हो जाए, मेरे परमेश्वर ये आजाद हो जाए, ये चंगे हो जाए, ये हील हो जाए, हील हो जाए, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मेरे पिता में प्रार्थना करता, मेरे परमेश्वर, जिन कामों में सफलता नहीं मिल रही है, जिन खेतों में सफलता नहीं मिल रही है, यीशु के नाम में कामों में सफलता मिले। मेरे परमेश्वर, आप स्वर्ग के परमेश्वर हैं, आपका वचन कहता है मैं तेरे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर हूँ। हे जीवित परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, इनके काम सफल हो जाए, इनके काम सफल हो जाए, काम सफल हो जाए यीशु नासरी के नाम में। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए जिन बहनों को बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे की आशीष चाहिए, बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं मिल रही, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ चंगाई की, उस राजाओं की राजा, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ बच्चे की आशीष रिलीज हो जाए स्वर्ग से, बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष आने पाए, बंद को खुल जाए, बंद को खुल जाए, बंद को खुल जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भवन अपने फोन पे पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करें, मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ जो पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, जो दुष्ट आत्माओं, जो जादू टोना के, हर एक कराधर के बंधन है, तंत्र मंत्र के बंधन है, जादू विद्या के बंधन है, इनके घरों के ऊपर, इनके जन के ऊपर मैं काटता हूँ, मैं भस्म करता हूँ, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं उखड़े भाग जाए इनके जीवनों से, ये आजाद हो जाए, ये हील हो जाए, ये फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर गंदी पद्रोह दुष्ट आत्माएं भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, और ये इनके जीवन में यीशु के नाम में चंगाई रिलीज हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई स्वर्ग से रिलीज हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई स्वर्ग से रिलीज हो जाए। मेरे परमेश्वर, जिन कानों में आवाज पड़ रही है, ये आजाद हो जाए और चंगे हो जाए और ब्लेस हो जाए, चंगे हो जाए, ब्लेस हो जाए। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन भाई बहनों का शादी का रिश्ता नहीं आता है, जो शादी का रिश्ता नहीं आता है, जो बंद बंधन है, बंद मार्ग है, बंद मार्ग खुल जाए, शादी का रिश्ता आने पाए, शादी का रिश्ता आने पाए, शादी के रिश्ते आने पाए यीशु नासरी के नाम में, शादी के रिश्ते आने पाए यीशु के नाम में। मेरे पिता में प्रार्थना करता, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, जो गरीबी में लिप्त हैं, मेरे परमेश्वर, जो कमाने वाले नहीं हैं, जो 100-200 रुपये पर, 1000 रुपये पर ये उधार ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे पिता में मांगता हूँ, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, इनके घरों के ऊपर आए स्वर्ग से के झरोखे खुल जाए, स्वर्ग की आशीष से खुल जाए, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, मेरे परमेश्वर, स्वर्ग के झरोखे खुल जाए, ये आशीषों से भर जाए, इनकी गरीबी कंगाली चली जाए, इनकी गरीबी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, और ये आजाद हो जाए, ये बदले, इनका घराना बदल जाए यीशु नासरी के नाम में। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ उनके लिए मेरे परमेश्वर, जिन घर में फूट है, विधर्म है, यीशु के नाम में फूट डालने वाली गंदी आत्मा, विधर्म डालने वाली गंदी आत्मा जल के भस्म हो जाए,
भस्म हो जाएं, यीशु के नाम में ये आजाद हो जाएं, ये चंगे हो जाएं, रिहा हो जाएं, हील हो जाएं। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के लिए, मसीह भवनों के लिए जो रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलगता है, यीशु के नाम में मेरे पिता, जैसा कि आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब यीशु की नींद आएगी। मेरे पिता मुझे विश्वास है अपने प्रभु को सुना है, ये छोटे से मित्र उद्धार करता है, यीशु मसीह के मीठे और पवन नाम में मांगते हैं, सुनिएगा और कबूल करिएगा। आमीन।